कुमार की सरकार बनी और वो मुख्यमंत्री बने, तब शहाबुद्दीन जेल के अंदर गया और लोगों में आतंक समाप्त हुआ, ये हमको समझना है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ध्यान में रखिए, क्या कभी लालू की पार्टी ने कभी माफी मांगी बिहार की जनता से? कभी मांगी? कभी कहा कि आपके साथ हमने गलत किया? इसका मतलब वो आगे भी वही करेंगे, यही उनका मतलब है। कोई सेवा भाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, वही काम है। अपहरण, डकैती, और सुन लीजिए ऊपर से, आरजेडी तो अराजकता पे विश्वास करती ही है, दोस्ती कर ली माले के साथ। अब वो वामपंथी जो देश को खंडित करना चाहते हैं, जो टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? 19 सीटें तुमने उनको वैसे दे दी, 9 उनके सहयोगियों को दे दी, 10-12 सीटें उन्होंने तुम्हारी आरजेडी से ले ली। ये माले ने तो आरजेडी हाईजैक कर ली, हाईजैक कर ली। क्या आप ऐसे अशांति चाहते हैं बिहार? क्या आप इस तरीके का व्यवहार चाहते हैं बिहार में कि जिसमें अशांति रहे? इछरी कांड याद है ना, स्वयं सेवकों को, आपके ध्यान में होगा, स्वयं सेवकों को मारा गया था वामपंथियों के द्वारा। पिपरा कांड याद है ना, ये सब कांड कब हुए थे आपको मालूम है ना? मित्रों, इसके साथ और मिल गई है वो कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी आजकल पाकिस्तान की वकील बनी है। कैसे? राहुल गांधी बोलेंगे 370 पर, तो हमारे इमरान साहब राहुल के स्टेटमेंट को लेकर के यूएन जनरल असेंबली में दलील देने जाते हैं, यानी राहुल बने पाकिस्तान के वकील। शशि थरूर भारत को लाहौर के मंच पर गाली देते हैं और पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। मनीष शंकर अय्यर बोलता है बिहार भारत में मोदी जी से बचाओ, कहां बोलता है? पाकिस्तान में जाकर के। पी चिदंबरम बोलते हैं कि मैं धारा 370 को हटाऊंगा। हटती है धारा 370? हटती है? मित्रों, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, ये बात हम लोगों ने कही थी, इसको हम लोगों ने